अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर जासन और आज हम आपको बताएंगे कि फीड फार्मुलेशन कैसे की जाती है डेयरी में। तो जैसा कि मेरी पहले वीडियो में मैंने आपको एक तरीके से बताया था कि ड्राई मटर इनटेक कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं एनिमल में वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो एक मैनुअल मेथड था जिसमें आप कॉपी पेंसिल के थ्रू डिफरेंट फार्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आज हम एक एक्सेल शीट के थ्रू हम जानेंगे कि ये एक्सेल थ्रू या एक कंप्यूटर में एक शीट के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेक्निकल तरीका का है। बेसिकली जब भी आप फीड फार्मुलेट करने जा रहे हैं तो आपको तीन स्टेप से गुजरना पड़ता है, उन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एनिमल का पता होना चाहिए कि आपको आपके पास एनिमल कौन कौन से हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मींस के उसका वेट क्या है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन क्या है, मिल्क फैट क्या है, कितने दिन की प्रेग्नेंट है, ठीक है, और इस तरह से उनके बारे में सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेप है कि आपके पास फीड स्टफ कौन कौन से अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके एक खुराक बनाना चाहते हैं, और तीसरी बात कि उन फीड स्टफ के अंदर कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स मौजूद हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए वो वाले यूज़ करके आप एक बैलेंस डाइट फार्मुलेट करें जो कि एनिमल को प्रोडक्शन के लिहाज से बराबर हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सके। तो पहले स्टेप पे चलते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो कोई भी एनिमल है उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स उसकी एनर्जी होती है, प्रोटीन होती है, मिनरल वगैरह और ये चीज़ें जो उसके वेट के हिसाब से चेंज होती रहती है। ये देखें वेट है उसके हिसाब से ये उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। इसी तरह से दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है मिल्क प्रोडक्शन की। मिल्क प्रोडक्शन में उसकी फैट परसेंटेज के हिसाब से उसकी एनर्जी, प्रोटीन और मिनरल और विटामिन वगैरह भी चेंज हो जाते रहते हैं। जैसे जैसे फैट बढ़ती जाएगी उसी तरह से उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से तीसरी रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी वेट के लिहाज से। जिस तरह उसका जितना बॉडी वेट ज़्यादा होगा कम होगा उस हिसाब से उसकी डिफरेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो बेसिकली इन सारी रिक्वायरमेंट्स को एक फार्मूले के ज़रिए जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट किया था उसी तरह से इसमें भी फार्मूले लगा कर हम उसको कैलकुलेट करते हैं उसका ड्राई मैटर इनटेक कितना होगा। मिसाल के तौर पर ये एक मेरे पास जानवर है जिसका 550 kg बॉडी वेट है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मेरे पास है 600 kg का एक एनिमल है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन है मेरे पास 25 लीटर उसकी मिल्क प्रोडक्शन है, फैट परसेंटेज उसकी 4.5 है और वीक्स इन मिल्क 29 है, और ये इसका मिल्क रेट जो इसका प्राइस है वो 90 रुपये का उसका पर केजी जा रहा है। तो जैसे जैसे मैंने उसको ये चीज़ें चेंज की हैं, ठीक है, ये भी मैंने चेंज कर देता हूँ, तो उस हिसाब से उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती रही हैं, ठीक है। जैसा कि ये 20 है 25 है तो इसको मैं अगर कर देता हूँ 27 कर देता हूँ तो उस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती चाहिए। तो इस तरह एक ऐसा जानवर जिसका 600 बॉडी वेट है, इतनी मिल्क प्रोडक्शन दे रहा है, इतना फैट है, इतने मंथ की मतलब डेज इन मिल्क है, तो उसको टोटल ड्राई मैटर कितना चाहिए, 22 kg चाहिए, और उसी के अंदर वो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोटीन की हैं, मिल्क लिया मिल्क की जो देर है उसमें ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं। ये रिक्वायरमेंट्स कैसे आई, बेसिकली ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट्स इनको फार्मूले की मदद से यहाँ पे पुट किया गया। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं अगर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट आ रही है 29.7 kg, कैसे आई है ये ऊपर देखें, यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है जिसमें इन सारी चीज़ों को एक ये मल्टीप्लाई करके मैं सारा तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे फार्मूले लगते हैं, लेकिन जस्ट इस वीडियो में आपको डेमो दूंगा कि ये कैसे होती है ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो और अगली वीडियोस में आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो बेसिकली इसमें सारी चीज़ों के मामले में एक फार्मूले लगे हुए हैं, ठीक है, और उस हिसाब से जैसे एक बार आप शीट बना लेंगे तो उसके बाद आपके पास जान छूट गई, आप आराम से बैठ के कमा सकते हैं। कोई भी पास बंदा आपके पास आता है कि हमें फीड चाहिए, इस तरह का हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है और ये फीड सोर्सेज के इस्तेमाल करके हमें एक फार्मूला बना के दो, तो उस हिसाब से आप एक आसान से एक फार्मूला उसको बना के दे सकते हो, ठीक है। तो इसी ये हो गया, ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेंगी उसका ड्राई मैटर इनटेक, ठीक है, और उसकी रिक्वायर एनर्जी वगैरह ये वाली सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी, उसकी बॉडी परसेंटेज, ड्राई मसल परसेंटेज के हिसाब से आप दे सकते हैं।
दूसरे स्टेप में आ जाते हैं उसकी, हमारे पास फ्री स्टफ कौन से अवेलेबल है। मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, सोच लेते हैं कि जहाँ पे मेरे पास मेज़ है, साइलेज है, ठीक है, वीट स्ट्रॉ है, ठीक है, यीस्ट है, ये वाली चीज़ें हैं, और जो चीज़ इसके अलावा और भी मेरे पास चीज़ है, तो वो मैं अपने, मेरे पास एक फीड स्टोर है, यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं मेज़ ब्रैन यूज़ कर सनफ्लावर मील यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, इसका भी मैं तकरीबन 4 kg ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इस लिहाज से मैं एक और चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेज़ येलो यूज़ कर रहा हूँ, 5 kg मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं कम करता हूँ, इसकी जो सारी परसेंटेज वो भी इस तरह कम हो जाती है, यूनिट प्राइस कितने का पर केजी है वो भी इसके अंदर चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो टोटल मेरे पास जो केजी आ रहा है वो ये 61 kg आ रहा है, ठीक है, और मेरे जो एनिमल की रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी, ड्राई मेटल उसको चाहिए, ड्राई मेटल उसको चाहिए 22, लेकिन जो यहाँ से आ रहा है वो कितना आ रहा है 28, तो इसको मैं चेंज करके, ज़्यादा करके, ठीक है, वो मैं पूरा कर सकता हूँ, ठीक है, और उस हिसाब से मैं इसको बराबर कर सकता हूँ। ये जस्ट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, बाकी जो इसका तरीकाकार है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ गए, इंग्रेडिएंट्स के अंदर मेरे पास फीड स्टाफ है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट को, ये मेरा एक बेसिकली फीड स्टोर है, जिसमें से जो भी चीज़ मुझे चाहिए उसके बारे में सारी डिटेल मौजूद है। मिसाल के तौर पर मुझे अगर मैं मिलेट यूज़ कर रहा हूँ, बाजरा, तो उसके अंदर ड्राई मटर मुझे पता है कि ये कंप्यूटर खुद बता देगा कि उसके अंदर ड्राई मटर इतना है, सीपी इतनी है, ठीक है, ईथर, फैट, हर चीज़, ये सारी डिटेल उसके अंदर बताई हुई है। तो जैसे मैं पोट करूँगा तो एनिमल की एनर्जी के हिसाब से यहाँ से उसकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। ये एक सिंपल शीट मैंने बनाई हुई है, ठीक है, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मुश्किल सिर्फ इसको बनाना है, जब एक बार बन जाएगी तब सिर्फ आप सिर्फ यहाँ से चेंज करते रहेंगे, ठीक है, और आपका एनिमल की जो भी मतलब ज़रूरत हो उस हिसाब से उसका ड्राई मैटर चेंज, जिस तरह ये देखें, अगले दिन मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैनुअल तरीके से मैंने बनाई थी, और यहाँ पे देखें कि मैंने खुद से अब यहाँ से सिर्फ ये चेंज किया और ये खुद ब खुद ड्राई मैटर इतना मेरे पास आ गया, ठीक है। तो उसमें से मैं उस हिसाब से फिर फार्मूलेट करूँगा, 50% इसको मैं, अगर मैं ग्रेन पर जा रहा हूँ, 50% इसको मैं फोडर पर जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। ये तो था मिल्किंग एनिमल के लिहाज से। अब अगर बात करता हूँ, मेरे पास प्रेग्नेंट एनिमल है, प्रेग्नेंट हीफर एनिमल है, तो उसमें दो चीज़ें देखने वाली होती हैं। सबसे पहली उसका एवरेज डेली गेन, कि दिन ब दिन उसका वेट कितना बढ़ रहा है, और उसका एनिमल का टोटल वेट, ठीक है, उस हिसाब से, इन दोनों चीज़ों के हिसाब से मेरी उसके पास मेंटेनेंस एनर्जीज हैं, और एवरेज डेली गेन के हिसाब एनर्जीज हैं, और टोटल एनर्जीज हैं, और इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पास ड्राई मटर इंटेक है, कि मतलब कि उसका कितना वेट बढ़ रहा है और कितना वेट है, तो उसको मैं कितनी खुराक दूँ, ठीक है, और उसकी नीचे ये खुराक मैं उसकी फार्मुलेट भी कर सकता हूँ, जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज़ करके और उनके अंदर फीड स्टफ यूज़ करके, डिफरेंट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करके, और मैं उसका फीड ड्राई मटर इंटेक क्या कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट 8 की है, ठीक है, उस हिसाब से ड्राई मटर इसका मैं चेंज ऊपर करके, मतलब ये 10 है, ठीक है, तो ये मैं इसको 5 कर सकता हूँ, ठीक है, और ये देखें, ये ड्राई मटर मटर कम हो रहा है, मैंने किस पे लेके जाना है, 8 पे लेके जाना है, ठीक है। और जो चीज़ मैं यहाँ से कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये पूरा पूरा फीड स्टोर पड़ा हुआ है, जहाँ से मैं कोई चीज़ ऐड या डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली आपने इन दो चीज़ों को चेंज करते जाना है, और आपकी फीड चेंज होती रहेगी, तो ये देखें उस हिसाब से इसकी एनर्जी चेंज हो गई है, ठीक है। ये होगी हीफर के बारे में। अब दूसरा है मेरे पास किसके बारे में, ये आ गया मेरे पास राशन फॉर ड्राई प्रेग्नेंट एनिमल। मेरे पास एक एनिमल ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट हैं और दूध भी थोड़ा सा दे रही हैं या नहीं दे रही, तो उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब कि अगर उसका मेरे पास 600 उसका वेट है, मिल्क प्राइस, मिल्क प्रोडक्शन उसकी 15 है, या 15 से मैं कर देता हूँ, मेरे पास से वो ड्राई हैं तो सिर्फ 7 लीटर दे रही हैं, ठीक है, मतलब तो वो भी ड्राई होने के करीब है, उनके पास मिल्क फैट भी कम हो रही है, तो उस हिसाब से इसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स है, मिल्क की रिक्वायरमेंट्स है। अगर मिल्क मैं यहाँ पे इसका 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे उसकी मिल्क जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी सारी की सारी 0 हो जाएंगी, उसी हिसाब से इसका ड्राई मटर इनटेक जो है वो भी मेरे पास कम